यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के चिंगदाओ पहुंचे हैं। वहीं बीते रोज उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पिछले 4 सालों में ये दोनों नेताओं की 14वीं मुलाकात है। दोनों देशों ने 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के स्तर से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान का करार है, तो दूसरा समझौता भारत से गैर बासमती चावल खरीद कर सहमति का है। चीन के भारत से गैर बासमती चावल का आयात करने से व्यापार को संतुलित करने में कुछ सीमा तक मदद मिल सकती है। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में चीन का निर्यात बहुत ज्यादा है। तो डाटा साझा करने पर सहमति बनी है। 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा डाटा साझा करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है और इसी के चलते भारत चीन के बीच अभी तक 2 बड़े समझौते हो चुके हैं। शंघाई यात्रा पर भी पीएम ने बोला है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा डाटा साझा करने पर सहमति बन गई है। चीन के साथ 2 बड़े समझौते हुए हैं जिनमें बासमती चावल के निर्यात पर भी सहमति बनी है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा डाटा साझा करने पर भी सहमति बन गई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का दूसरा दिन है।